बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देसी चिकन की ओरिजिनल रेसिपी, उसे कैसे अच्छी ग्रेवी के साथ बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने प्याज, टमाटर और गोश्त को तैयार कर लिया, गोश्त को अच्छे से धो लिया। तो अब इसे बनाने की तैयारी करती हैं। सबसे पहले हमने लेना है एक पतीला जिसमें हमने बनाना है, उसके अंदर हमने डालना है ऑयल। अच्छा, यहाँ पर हमने लिए 3 चम्मच बड़े साइज़ के ऑयल, क्योंकि हमने यहाँ पे गोश्त के हिसाब से घी डालना है। और यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उनको रफली काट लिया, जिसमें से आधा शामिल किए, आधा हमने अभी रख दिए, अपनी बाकी की रेसिपी में शामिल करेंगे आगे चलकर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन होने तक इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, साबुत गर्म मसाला, यानी कि जिसमें हमने ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, सब चीज़ें डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल देना है गोश्त। देसी चिकन है ये, और 1 किलो चिकन है, 1 किलो की रेसिपी है। इसको अच्छे से प्याज और खड़े मसाले के साथ फ्राई करेंगे। गोश्त को फ्राई करना इसलिए भी ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और दूसरा ये जिस वक्त गल जाता है तो हड्डी से अलग नहीं होता, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसे लाइट गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, आपने रेसिपी पूरी देखनी है आगे चलकर, यानी कि एंड तक देखनी है, तभी आपको पता चलेगा इसकी रेसिपी का। तो यहाँ पर गोश्त फ्राई हो चुका था, अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं कुछ खुश्क मसाले, जिसमें हमने लिया है 3 चम्मच हमने लिया है यहाँ पे सुरख मिर्च, और 1-2 चम्मच लिए हैं हमने यहाँ पर धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डाला है यहाँ पे हल्दी, और 1 चम्मच नमक का, और 1.5 चम्मच हमने लहसुन अदरक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है गोश्त को मसालों के साथ, ताकि मसाले अच्छे से गोश्त के साथ शामिल हो सकें। 1 से 2 मिनट तक हम इसे भूनेंगे मसालों के साथ। जैसे मसाले हमारे भुन जाएंगे गोश्त के साथ, तो हम इसके अंदर डालेंगे बाकी की प्याज जो हमने बचा कर रखी हुई थी, और टमाटर डालेंगे, 4 टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, उनको भी बारीक काट कर इसके अंदर शामिल कर दिए। अच्छी ग्रेवी के लिए आप इस यहाँ पर इस स्टेज पर कच्ची प्याज और टमाटर डालेंगे, फिर देखिएगा आपकी ग्रेवी कितनी बेहतरीन बनती है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप पूरी आपने एंड तक देखनी है, आगे चलकर बताएंगे इसको खुशबूदार, मज़ेदार कैसे बनाया जाता है, इसकी भुनाई कैसे की जाती है, तो आपने पूरी रेसिपी देखनी है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया तकरीबन पानी, 1/2 किलो पानी डाला है, और इसके साथ मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी डालना ज़रूरी होता है। आम चिकन ऐसे ही गल जाता है, लेकिन ये आम चिकन से ज़रा थोड़ा सख्त होता है, इसे गलाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे गोश्त गल जाएगा और थोड़ा पानी बाकी रह जाएगा, अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो है लहसुन। लहसुन हमने इसके अंदर शामिल करना है, 1 चम्मच सिर्फ लहसुन डालना है, यहाँ पे अदरक नहीं हमने शामिल करना। लहसुन के साथ इसकी भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई करेंगे कि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और घी छोड़ दे, हमारे मसाला जिस वक्त घी छोड़ देगा। फिर हमने इसके अंदर 1.5 पाव फेंटी हुई दही डालनी है, दही हमने थोड़ी सी ज़्यादा ही इस्तेमाल करनी है यहाँ पर, और यहाँ पे हमें दही का इस्तेमाल इसलिए भी ज़्यादा रखना है क्योंकि हमने कच्ची प्याज डाली है, टमाटर डाले, उसको बैलेंस में रखने के लिए हमें दही का थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और जैसे दही हमारी पकने लगेगी तो हमने इसकी खुशबू की, बेहतरीन खुशबू के लिए 1 चम्मच देसी घी डालना है, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है और टेस्ट में लाजवाब है। ये मैं आपको बताती चल रही हूँ, आज बना रही हूँ किसी की फरमाइश पर, यहाँ पे मेरे किसी ने ऑर्डर करके मुझसे ये रेसिपी बनवाई है, खाना बनवाया, तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। तो ये रेसिपी देसी चिकन कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है, तो जिस वक्त दही सारा ड्राई हो चुका, दही ने मसाला छोड़ दिया, घी सेपरेट हो गया, तो हमने यहाँ पर बस 3 से 4 हरी मिर्च कट लगा के ये डाल देनी है। आप देख सकते हैं हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर ग्रेवी के लिए डालेंगे पानी, और पानी यहाँ पे मैं डालूँ, यहाँ पे 2 प्याले पानी के डालूँगी, क्योंकि जितना हमने पतली ग्रेवी रखनी है उतना अपने हिसाब से पानी इसके अंदर शामिल कर दें। तो मैंने यहाँ पे 2 प्याले पानी के शामिल किए हैं, और इसे 20 से 25 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जितनी हल्की आँच पर ग्रेवी पकेगी उतना ही टेस्ट इसका निकल कर आएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़े का सालन बन के तैयार होता है।
चिकन आप जैसे भी बना रहे हैं, बहुत सारी रेसिपी हैं चिकन की, लेकिन देसी चिकन। तो जी जनाब, यहाँ पे हमारा मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है। ग्रेवी जितनी हमें रखनी थी उतना ही हमने बस रखनी है, बाकी चूल्हा करेंगे बंद और ऊपर से हमने डाल दिया खुशबू के लिए सब्ज़ धनिया। मज़ेदार सा देसी चिकन के साथ हमारा सालन रेडी है।